Hello students, welcome to CR International School online classes, class 8 subject Hindi. कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे. देखिए बेटा, आज हम अपनी क्लास में ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 काल. ठीक है, काल वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं. आपको ये पहले करवाया था, तो हो सकता है मतलब क्या होता है काल इज इक्वल टू समय. काल को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं. काल का मतलब क्या होता है? समय. अब इसका डेफिनेशन क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं. ठीक है, अभी मैं एक दो वाक्य लिखूंगी. जैसे देखिए, मनोज स्कूल गया. ठीक है, अगला लिखूंगी मैं, पिताजी खेत में जा रहे हैं. एक और वाक्य मैं लिखूंगी, तपस्या कल आगरा जाएगी. अभी देखिए बेटा, अब इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य. अब इसमें क्या है? क्रिया क्या है इसमें? गया शब्द क्या है? क्रिया शब्द है. मनोज स्कूल गया. अब इस क्रिया से क्या पता चलेगा? कि गया शब्द से आपको पता चलेगा कि वो काम कर चुका है या करेगा या कर रहा है. इस क्रिया शब्द से, यहां पर गया, यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? जा रहे हैं. यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? जाएगी. अब आप तीनों वाक्यों में आप क्रिया शब्द को उठाकर देखेंगे. ये तीनों शब्द, यहाँ पर गया, दूसरे में क्या है? जा रहे हैं, और तीसरे में है जाएगी. अब ये तीनों क्रिया शब्द हैं, एक दो तीन. इन तीनों से आपको उस काम के होने का क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है. गया, जा रहे हैं, जाएगी, यानी कि वो तो जा चुका है. और ये जो है पिताजी, अभी जा ही रहे हैं, अभी इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो अभी जाएगी. तपस्या एक लड़की का नाम है बेटा यहाँ पर, तो जाएगी वो तपस्या कल आगरा जाएगी. वो जाएगी, वो काम करने वाली है, ये कर चुका है, ये कर रहे हैं. तो इन तीनों क्रियाओं से पता चल रहा है कि हमारा काम बीते हुए समय में हो चुका है, या वर्तमान समय में हो रहा है, या आने वाले समय यानी कि भविष्य में हो गया. तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं. ठीक है, आपको ये इतना समझ में आ गया होगा. क्रिया के जिस रूप से आप क्रिया शब्द उठा के देखोगे, आपको उसी से पता चलेगा कि जो ये क्रिया हो रही है वो बीते समय में हुई है, या चल रहे समय में हुई है, या आने वाले समय में हुई है. तो अब इसने यहाँ पर एक और चीज क्या आएगी के क्रिया के इसके सॉरी काल के भेद आएंगे. क्या आएंगे? काल. देखिए बेटा, काल के भेद पढ़ते हैं. काल के भेद होते हैं तीन. कितने भेद होते हैं काल के? तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. अब ये काल आपको कैसे पता चलेगा? आप कैसे पहचानोगे कि ये भी जो है क्रिया शब्द को ही उठा के हमने देखना है. देखिए, भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो. ये क्या होता है? बीते हुए समय में होने का बोध हो. ठीक है, इसमें क्या होता है? चल रहे समय में होने का बोध हो. ठीक है,
अगला आता है इसका आने वाले समय में होने का बोध हो। अब यहां पर हमने क्रिया की क्रिया ही उठाना है, जैसे कि अभी मैंने और लिखूं मैं, जैसे राहुल आया लिख दिया, ठीक है। तो अब आप ये क्रिया शब्द उठाइए, राहुल आया, यानी कि वो आ चुका है। तो जो ये क्रिया जो है वो हो चुकी है, तो ये बीते हुए समय में हुई है, तो ये हो गया भूतकाल, ठीक है। अभी मैं ये लिखूं राहुल आ रहा है, तो अभी वो आने का काम कर रहा है, तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी, ये वर्तमान काल। अभी मैं यहां लिखूं राहुल आएगा, आएगा लिखूंगी, तो वो जो ये क्रिया शब्द है इससे पता चल रहा है कि वो आने वाला काम अगले थोड़े कुछ समय के बाद करेगा, 2 बजे 4 बजे 5 बजे जितने भी, यानी कि करेगा उस काम को, आने वाला काम करना है उसको, आएगा, अभी आया नहीं है। तो आप क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो तो भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो वो भूत भविष्य काल कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ये तीनों ही काल थे, ये तीन काल मैंने आपको समझा दिए हैं, काल किसे कहते हैं, और ये तीनों कालों की डेफिनेशन आपको बता दिया। आपको क्या आएगा बेटा, आपके पास वाक्य आएंगे, आपको पहचानना है ये वाक्य कौन से काल का है, या आपको फिलअप आएंगे, आप इसमें भूतकाल भरो वर्तमान काल भरो, इस तरह से आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये तीनों काल का जो है भेद और काल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं बेटा। एक्सरसाइज है इसकी, नीचे लिखी क्रियाओं को सही स्थान पर लिखिए। क्रिया दी हुई है और यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, तीन कॉलम दिए हुए हैं, तो जो क्रिया जिस काल की उसको उसके नीचे लिखना है। सबसे पहले दिया हुआ है नाचेगा, ये भविष्यत काल में, आएगा ये भी भविष्यत काल में, बुलाया है वर्तमान काल, नाचा भूतकाल, आया था भूतकाल, बुलाएगा भविष्यत काल, कूद गया भूतकाल, नाच रहा है वर्तमान काल, आ रहा है वर्तमान काल, कूदेगा भूतकाल, कूदेगा भविष्यत काल, बुलाया था भूतकाल, कूद रहा है वर्तमान काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, नीचे लिखे वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को पढ़कर काल का भेद लिखिए। अब आपका एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक रंगीन शब्द है, क्रिया शब्द जो है कलर्ड दिया हुआ है रंगीन, उसको देखकर आपको काल बताना है कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड का फर्स्ट है, देवेश गाना गाएगा, तो इसमें रंगीन शब्द है गाएगा भविष्य काल, मधुरिमा गीतिका से मिली होगी, मिली होगी, जैसे मिली होगी तो वो हमें डाउट है थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया भूतकाल, ठीक है। गुंजन ने पाठ पढ़ा भूतकाल, पढ़ाई इसमें रंगीन शब्द था भूतकाल, रमेश विद्यालय जाता है, जाता है रंगीन शब्द है वर्तमान काल, हमने सन 1947 में आजादी प्राप्त की भूतकाल, शेर वन में घूम रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, माताजी घर लौट आई रंगीन शब्द है भूतकाल, नानी जी अगले माह आएंगी तो ये है भविष्यत काल, शायद शाम को बारिश हो लिखा हुआ है इसमें, रंगीन शब्द हो है, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, निम्न वाक्यों में काल के अनुसार क्रिया का उचित रूप भरो। देखो क्रिया शब्द दिया हुआ है और उसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमें उस क्रिया शब्द को किस काल का बनाकर फिलअप में भरना है। कुमार मिट्टी के बर्तन डैश है, साइड में दिया हुआ है बना और लिखा हुआ है वर्तमान काल, तो आप इसमें क्या हो जाएगा, बना की जगह बना रहा भर देंगे हम फिलअप में। अमित बहुत सुंदर डैश है, साइड में लिखा हुआ है लिख शब्द और वर्तमान काल में, तो इसमें हो जाएगा लिखता, ठीक है। थर्ड है इसका, पिताजी शाम को बाजार डैश जा लिखा हुआ है भविष्यत काल में, जाएंगे मन लगाकर डैश तो सफल, तो डैश अवश्य मिलेगी, पढ़ और सफल, मन लगाकर पढ़ोगे तो
सफल लिखा हुआ है तो सफलता अवश्य मिलेगी, मन लगाकर पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। फिफ्थ है धोबी कपड़े डैश कल डैश, धो और दे दिया हुआ है आपका क्रिया शब्द, तो धो से धोकर और दे से देगा, धोबी कपड़े धोकर कल देगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ कमला ने बहुत अच्छा गाना डैश गा लिखा हुआ है भूतकाल में गाया। आज हमने कबड्डी का मैच डैश खेल है क्रिया शब्द दिया हुआ है खेल और भूतकाल में बदलना है इसको तो खेल से हो जाएगा खेला, ठीक है। एट्थ है बच्चे नदी में डैश रहे हैं नहाना है वर्तमान काल नहा रहे हैं। नाइन्थ है बेटा थर्ड का घोड़ा बहुत तेज डैश था दौड़ना भूतकाल में दौड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा निर्देशानुसार वाक्यों को दोबारा लिखो, निर्देशानुसार यानी कि आपको एक वाक्य दिया हुआ है और डैश दिया हुआ है ब्रैकेट में काल दिया हुआ है उस वाक्य को उस काल में बदलना है। दर्जी कमीज सिल रहा है भूतकाल में दर्जी कमीज सिल रहा था। नेक्स्ट है अमित पेंसिल से चित्र बनाएगा अमित पेन ये वर्तमान काल में अमित पेंसिल से चित्र बना रहा है। थर्ड मैं कल विद्यालय जाऊंगा भूतकाल में मैं कल विद्यालय गया। फोर्थ है हम दिल्ली जा रहे हैं भविष्यत काल में हम दिल्ली जाएंगे। फिफ्थ किसान खेत में बीज बो चुका है किसान वर्तमान काल में करना है किसान खेत में बीज बो रहा है। सिक्स आज हमारे यहाँ मेहमान आए थे भविष्यत काल में आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। सेवंथ पिताजी मुंबई जाएंगे वर्तमान काल में पिताजी मुंबई जा रहे हैं। एट्थ वह परीक्षा में सफल होगा भूतकाल में वह परीक्षा में सफल हुआ हुआ कर दो या हो गया दोनों ही ठीक है हुआ या हो गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क्रिया के होने या करने के समय का पता चलता है किससे काल से। सेकंड काल के भेद होते हैं तीन जो क्रिया बीते समय में हो चुकी है उसे कहते हैं भूतकाल जो क्रिया आने वाले में समय में होगी उसे कहते हैं भविष्यत काल जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उसे कहते हैं वर्तमान काल। काल के अनुसार किसका रूप बदलता है क्रिया का वर्तमान काल का उदाहरण है हलवाई मिठाई बना रहा है। एट्थ भविष्यत काल का उदाहरण है मैं दवाई लाऊंगा। नाइन्थ भूतकाल का उदाहरण है वह मेरी बात मानता था। टेंथ भविष्यत काल का उदाहरण है भारत मैच जीतेगा। इलेवेंथ निम्नलिखित क्रिया शब्दों में कौन सी भूतकाल की क्रिया नहीं है जाता है। ट्वेल्थ मैं शाम को खेलता हूँ इस वाक्य यह वाक्य भविष्यत काल में होगा मैं शाम को खेलूंगा। ये ट्वेल्थ है बेटा वन के ट्वेल्थ करवा चुकी हूँ मैं आपको। एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर टू देखिए निम्नलिखित वाक्यों में आए काल के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। अमित दिल्ली चला गया भूतकाल। सेकंड का सेकंड पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं वर्तमान काल। थर्ड पका आम पेड़ से गिर गया भूतकाल। मेहमान खाना खा चुके हैं चुके थे भूतकाल। फिफ्थ पक्षी घोंसलों में वापिस आएंगे भविष्यत काल। सिक्स्थ अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है वर्तमान काल। सेवंथ अजय नई साइकिल खरीदेगा भविष्यत काल। एट्थ माँ स्वेटर बना रही है वर्तमान काल। नाइन्थ मेरी पुस्तक खो गई भूतकाल। टेंथ सड़क पर जाम लगा हुआ था भूतकाल। इलेवंथ आज तेज धूप निकलेगी भविष्यत काल। ट्वेल्थ माँ ने खाना बनाया भूतकाल। थर्टीन कवि ने कविता सुनाई थी भूतकाल। 14 इस वर्ष फसल अच्छी हो सकती है भविष्यत काल। 15 चाचा जी कल हमारे घर आए थे भूतकाल। अब बेटा आपका ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बाय हैव ए नाइस डे।